Dear students of 10th class, today we will discuss question number 2 of exercise 5.2 of the same chapter, arithmetic progression. J.K. Bose ke 9th class ke textbook mein bhi hai, CBSC ke textbook mein bhi hai aur NCERT ke textbook mein hai. Objective type question hai yahan pe. वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. और शेयर करने से दूसरे जो आपके क्लासमेट्स हैं वो भी इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एग्जाम में पूछा जा सकता है. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज 30th टर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज हियर 10, 7, 4 सो ऑन. इज हमारे पास गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन. वहां इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 30th टर्म होगा वो हमें देखना है, क्या वो 97 है, 77 है, -77 है, -87, कौन सा होगा वो हमें देखना. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था nth टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज से an, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. ये हमारे पास, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एन टर्म का. एन टर्म हमारे पास है फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू टी. यहां पे हमारे पास गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मिलेगा, कॉमन डिफरेंस भी वही से मिलेगा. अगर हम इस गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देख लेंगे, दैट इज 10 है, फिर 7 है, फिर 4 एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म इज क्लियरली हियर इज इक्वल टू 10, इसको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ कॉमन डिफरेंस जो है, आप जो भी दो टर्म लेंगे उनका डिफरेंस, यू विल टेक द डिफरेंस, दैट बिकम्स द कॉमन डिफरेंस बिकॉज इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हम 10, 7, -10 की बात कर रहे हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म, सेकेंड को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल गेट हियर -3. आपके पास d का वैल्यू है -3 एंड a इज इक्वल टू 10. नाउ वी फाइंड 30th टर्म, दैट इज n का वैल्यू हमारे पास 30 है, दैट इज a 30. ये हमें देखनी है कौन सी टर्म होगी, दैट इज इक्वल टू यूज दिस फार्मूला, दैट इज a इज हियर 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू d इज -3. That is equal to 10 plus 30 minus 1 is 29 into minus 3. किसके बराबर होगा? It is equal to 10 plus minus 3. 3 9s are 27. 3 2s are 6. 6 that is 8. That is minus होगा. Now add these two. ये minus 87, ये plus 10, it becomes minus 77. See here in options में. यहां पे सी पार्ट है इसका आंसर. नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेम एज इन फर्स्ट पार्ट. यहां पे भी गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वी हैव टू फाइंड 11th टर्म. गेरवा टर्म हमें ढूंढनी है, उसके लिए ऑप्शन है 28, 22, -38, -48 इज टू 1. ये भी बहुत आसान. यहां पे भी जब गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वी कैन इजीली गेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज ए, एंड वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस. ये दोनों चीजें हमें इजीली मिल सकती है. हियर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन. क्लियरली ए इज हियर -3. ये हमारे पास -3 ए का वैल्यू है. अब कॉमन डिफरेंस इज, दैट इज कॉमन डिफरेंस डी, इट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, दैट इज सेकेंड टर्म हम लेंगे माइनस फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इज हियर -3. क्या होगा ये? इट इज -1/2, सॉरी
it becomes minus 1 plus 6 by 2, that is equal to 5 by 2. Here common difference. Now we find 11th term. 11th term means यहां पे nth term में n का value 11 लेना है. We will take here a 11. क्या मिलेगा? That is equal to a. A is here. A क्या है हमारे पास? Minus 3. Plus n minus 1. That is 11 minus 1. Into d. D क्या है हमारे पास? 5 by 2. ये हमारे पास. It is equal to minus 3 plus 10 into 5 by 2. 2 1s are 2, 5s are, that is 5 into 5, 25, that is minus 3 plus 25. 25 mein se 3 chala jayega, that is 22. Clearly here, B is the correct option. B is the correct option. Is tarah humne in do parts ko discuss kiya. Ye bahut aasan parts the. Dear students, agar aapke zehen mein koi question aa raha hai, to comment box mein zarur comment kar lena. Thank you, have a nice day.